यूपी इलेक्शन से पहले जब कराना पलायन का मुद्दा जोरों पर है और रूलिंग गवर्नमेंट इस मुद्दे को बार बार पिच कर रही है, ठीक उसी समय न्यूज़ क्लिक बांदा जिले के कैसे गांव में है जहां पूरा गांव खास करके युवा जो है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को लेकर वजह से जो है पलायन कर गए हैं, या इस गांव में सिर्फ और बुज़ुर्ग औरतें और बच्चे बचे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके मुद्दे हैं और किस वजह से जो है ये पलायन कर रहे हैं। ये बांदा जिले का झंडूपुरवा गांव है, तर्रा ग्रामीण में आता है और इसमें जो सरकारी योजनाएं हैं तो लोगों को छू करके नहीं गई हैं। यहाँ से हर घर से ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ से लोग पलायन न कर गए हों। अपने आप को बेच करके और पेशकी ले करके सब लोग बाहर पड़े हुए हैं। यहाँ जो घरों में बचे हैं सिर्फ बूढ़े बचे हुए हैं जो अपना घर ताके हुए हैं, बाकी पूरा परिवार सब बाहर है। यहाँ की जितनी जवानी है सब बाहर मजदूरी करने चली गई है। सभी घरों में ताला लगा हुआ है और यहाँ बच्चों और बूढ़ों के अलावा कोई व्यक्ति नहीं है। सर, यहाँ जब कोई काम धाम नहीं है तो आदमी यहाँ कर रह के क्या करेगा, और बाहर जाते हैं थोड़ा काम बहुत करते हैं तो कुछ पैसा रुपया कमा के लाते हैं। बच्चे हमारे नाती हैं और दूसरा लड़का है, पुता हुए हैं, एक के तीन चार था। कहाँ हैं ये लोग? इलाहाबाद में पासा थे। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। जमीन है? जमीन नहीं है हमारे पास, एक बीघे जमीन है, बस उसी पे खेती पाती करते हैं। पर डे जरूरी नहीं कि पूरे महीने काम मिलता हो, महीने में 10 दिन या 15 दिन मिलता है, एक दिन में 200 या 250 रुपये मिलता है। दो लोग हैं इनके घर में, बाहर गए हैं इनके लड़का, इनके लड़के का नाम है संगम, वो पंजाब गए हैं काम करने, यहाँ काम नहीं इसीलिए काम करने गए हैं। और ये आप देखते हैं कि ये बस्ती जो है किस प्रकार की बस्ती है, ना तो कोई रास्ता है ना कोई आवागमन का साधन है कि यहाँ तक साधन आ सके ताकि गरीबों को की आवाज़ सुन सके, न कोई क्या कहते हैं राजनीतिक पार्टियाँ आते हैं, न कोई सरकारी कर्मचारी आता है, कोई भी यहाँ का कोई मदद करने वाला नहीं। जैसा कि अब तक हम दो गांव विजिट कर चुके हैं और बुंदेलखंड आपको बताते चलें कि जो है यूपी का एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स लेबर माइग्रेट करके जो है जॉब की तलाश में दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, और सरकार के अनदेखी का शिकार सबसे ज़्यादा जो है यहाँ के लोग हैं। यहाँ पे मनरेगा कार्ड होने के बावजूद भी जो है इनको अभी कोई जॉब नहीं मिला है, कोई काम नहीं मिलता है। और हमारे साथ जो है इसी को लेकर के जो है विद्याधाम समिति के जो है शिव कुमार जी हैं, वो बताएंगे कि क्या असल मुद्दे हैं, क्यों लोग प्लान करके जो है दूसरे शहरों में जाते हैं। असल में क्या है, यहाँ इस समय जब से चुनाव हुए प्रधान जीते हुए हैं कभी किसी को भी मनरेगा में काम भी नहीं मिला है, और काम मिलता है तो कहीं 2 दिन काम मिला और जो 10 दिन उसी को खाते हैं बैठ के, और काफ़ी लोग कर्ज हो जाते हैं बीमारियों से और कुछ, तो यहाँ से कम मुझे लगता है इस समय 70% यहाँ से जो है पलायन लोग कर चुके हैं। और जैसे दादी हैं, बूढ़े जैसे बाबा हैं, ये सब बैठे रहते हैं, ये जो कोटा में गल्ला मिलता है वही खाते हैं अपना जो है, अगर अंगूठा लग गया जो है, कभी कभी बूढ़ों इनके अंगूठा भी नहीं लगते हैं जो है, और काफ़ी यहाँ से पलायन चालू हो चुके काफ़ी गांव में। हम लोग यहाँ से नरेनी ब्लॉक में 30 गांव में काम कर रहे हैं, हमने यही देखते हैं कि वहाँ कम से कम 70% वहाँ जो है पलायन गाँव से जो है कर चुके हैं। कितने बच्चे हैं आप? मुझे दूठा लड़का है, दूठा पुता हुआ है, और एक लड़का की छठा लड़का बेटिया है, एक लड़का की एक बेटिया भर इतने हैं राजा। तो ये लोग कहाँ रहते हैं? ये पंजाब में है सब। सब आशीष जी, ये जो परिवार है कहाँ रह रहा है? पंजाब जाते हैं लोग। पंजाब की? क्या नाम है इनका जिनका घर है? अशोक और प्रेम बाबू, दोनों भाई हैं लोग। दो भाई, दोनों भाई का परिवार इसमें रहता है? हाँ, दोनों भाई का परिवार रहता है इसमें। अच्छा, ये लोग कहाँ चले गए? पंजाब गए हैं इतफाक में। ये कितना पहले कार्ड बना है, जॉब कार्ड? ये काफी दिन का होगा। कितना साल? 2 साल? कम से कम 30 साल का। काफी साल का हो गया। अच्छा, तो इसमें काम मिलता है? यहाँ में काम मिला कुछ नहीं। मनरेगा का काम 15-16 दिन मिला है भाई साहब, 2 साल बने हो गए कार्ड, अब नहीं मिलता है काम वाम, अब पेमेंट 6 महीने के बाद मिलता है, अब कहाँ तक अगर काम न मिलेगा। जो काम किया आपने उसका कितना पैसा बना? मान लो 6500 रुपये मिला था हमको। कितने महीने बाद काम? 6 महीने बाद मिला था। अच्छा। और 2 साल से फिर कोई? 2 साल से कोई काम नहीं है, पंजाब जाते हैं तो पंजाब से भी लौट आए, वहाँ से भी नहीं काम मिला हमको। अब किसानी भी किए थे, किसानी में धान पानी बरस गया, धान भी खराब हो गया साला पूरा। और 250-250 रुपये की यहाँ मजदूरी मिलती है तो वह भी बराबर नहीं मिल पाती।
किसी दिन मिला किसी दिन नहीं मिला। मनरेगा काम भी वो भी नहीं बराबर चल पाता, उसमें भी काम धाम नहीं मिलता। कितना महीने पे आते हैं? महीना में जैसे जैसे पाते हैं तैसा आवत है। पाँच महीना छः महीना? हाँ पाँच छः महीना आ जाते हैं। अच्छा, ये कब से बाहर रह रहे हैं? जब से अब नहीं है खाना खुराक नहीं है खेती बाड़ी तो बाहर तो रहते हैं। कहाँ जाते हैं ये लोग? ये लोग दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, अब कुछ बगल में इलाहाबाद है वहाँ भी ईंट पाथने का काम करते हैं, ईंट भट्टों में काम करते हैं पूरा परिवार सहित। इसके 8-10 महीने के बाद वो वापस आते हैं, फिर 2 महीने अपने गांव में रहते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। साल में कितना दिन रहते हैं? दो तीन महीने पंजाब जाते हैं, 2-3 महीने रहते हैं फिर चले जाते हैं। और यहाँ पर जो है मजदूरी न मिलने के कारण ये बाहर जाते हैं हमेशा। न खेती है न पाती है बाबूजी, कुछ नहीं है, चले जाते हैं ईंट पाथ। कहाँ जाते हैं? पंजाब जाते हैं। कितना कितना दिन पे आता है? अब आते हैं आषाढ़ माओ थी कुंवर मनी कर जाती आषाढ़ माओ थी तो जो कमाइन तो लड़का बिटिया खाइन खवाइन नून तेल के हिन फिर चले जाती। अब मैं अकेले रह जाती। यहाँ पर कोई हॉस्पिटल भी नहीं? कैसे लेके जाते हैं? वहाँ पर जो है आपका या तो टेम ऑटो से चले जाते हैं, ये जो माइनर वाली रोड है इसे चले जाते हैं, या तो फिर साइकिलों द्वारा लाद के ले जाते हैं। कुछ नहीं यहाँ कि उनके लिए जो है पलायन रोका जाए, बस कहते हैं हवा हवा में कहते हैं कि जो है पलायन रोका जाएगा और हम इस मुद्दे में काम देंगे, मनरेगा में काम देंगे, जो है अगर यही काम मिले अच्छे सबको 30 दिन काम मिले जो कहे कोई घर बाहर जाए यहाँ से। किसका घर है? ये रामधनी का घर है। कहाँ है ये बाहर चले गए? कहाँ? ये प्रतापगढ़ इधर रायबरेली पड़ता है, वहाँ ईंटा पाथने गए। ईंटा के काम? हाँ ईंटा काम कर। मैं साल में कितने दिन आते हैं घर पे? साल में भी ये जून में आएंगे। और कितने दिन में? जून और ये अक्टूबर नवंबर में चले जाते हैं, फिर चले। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ आते हैं लोग? हाँ आषाढ़ में आई है। आषाढ़ में आएंगे? हाँ। जाइए कब है? जाइए कब? फिर कुआर उर में चले जाइए दुल्हाई लगे। अच्छा, यहाँ काम धंधा कुछ है नहीं है, बेरोजगारी है, क्या करेंगे इधर जो है। अब जमीन उमीन भी नहीं उनके पास जो है, तो खाने पीने में दिक्कत भी आ जाती है और जो है कई तरह के जो है कष्ट होते हैं इधर जो है रहने में। उधर जाते हैं परिवार सहित अपना जो है काम करते हैं, उधर खाते पीते हैं, 8 महीना यहाँ आ गए तो जो है दिक्कत हो जाती है, खाना पीना का दिक्कत और पैसा रुपया घर का दिक्कत हो जाता है, काम यहाँ मिलता नहीं है। मनरेगा में काम नहीं आता? नहीं आता मनरेगा में काम। कितने बच्चे हैं आपको? आप 3 लड़की 1 लड़का 4 बच्चे। और आपके आदमी क्या काम करते हैं? बस यह धंधा वंधा है, किसी की दुकान में जाते, ऐसे प्रधान हमारी को काम नहीं देता, गरीब मड़े ही हैं, कुछ नहीं मिलता तो मजूरी, बच्चे तो जियाना मजूरी तो करना है, तब दुकान में रहते हैं। अभी तबीयत खराब हो गई है तो घर आ गए। ये दोनों जो आपके पड़ोसी हैं जी, ये कब से घर बंद है, कब से बाहर? इनको 2-2.5 महीना हो गया। 2.5 महीने से? कब आते हैं ये लोग? ये जून जुलाई में आएंगे। कितने दिन रहेंगे? वही 2-2.5 महीने रहते हैं, जून जुलाई में आते हैं और अक्टूबर में चले जाते हैं। भाजपा जो बार बार ये कहती है कि कैराना है मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, शामली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ ये कहा जाता है कि प्लान हो रहा है, धार्मिक प्लान हो रहा है। नहीं, यहाँ धार्मिक का कोई अस्तित्व ही नहीं है, धर्म में लोग अपने पेट के लिए परेशान हैं तो धर्म के पीछे किसी को दौड़ने का समय ही नहीं है, और यहाँ कोई ऐसा धर्म का इशू ही नहीं है जो लोग धर्म के लिए आपस में लड़ें, आपस में भिड़ें, धर्म का काम करें, यहाँ सब अपनी मजदूरी पर है, अपना पेट पालने के लिए लोग पलायन करते हैं। आपका खर्चा कहाँ से आता है? अब ये कोटा क्या मिल जाता है तो वही का खाते हो बस, न बनिकीन हो न मजदूरी। ये हमारे पड़ोसी हैं और ये जो है साल साल को पलायन कर जाते हैं, इनकी कोई चारा नहीं है यहाँ पर कि कमाई कर सके, इनका कोई चारा नहीं है कि अपनी कमाई से यहाँ कोई भी क्या कुछ कर सके। कहाँ जाते हैं पलायन? ये जाते हैं पंजाब, क्या करते हैं? ईटा पाथने जाते हैं, पथेल करने।
ये वहाँ से एक है कि यहाँ एक जमादार चुन लेते हैं, मतलब मेन आदमी जो है, तो वहाँ से जमा जाता है पैसों से ले जाते हैं, फिर वो एक ही आदमी एक चुन लेते हैं कि हम तुम वो अपने अंडर में कर लेते हैं कि आपको 30 लोग 40 लोग 15 लोग जो है तो सब गांव की इकट्ठा करके आता है, तो एक ही आदमी के यहाँ से वो सब भर के वहाँ से गाड़ी भिजवा देगा पूरा वहाँ भट्टा मालिक, फिर यहीं से गाड़ी भर के जो है उनको वहीं ले जाएंगे। इन लोग को ज़मीन उमीन नहीं है? हाँ, ज़मीन नहीं। नरेगा में कोई काम नहीं मिल रहा? नरेगा में कोई काम नहीं मिल रहा। नरेगा जॉब कार्ड है इन लोग के? हाँ, जॉब कार्ड है। हाँ, फिर भी काम नहीं मिलता? हाँ, नहीं काम मिलता। आप क्या करते हैं? मैं भी मजदूरी ही करता हूँ। अच्छा। हाँ हाँ, अरे थोड़ी खेती किसानी का काम कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। कितना कमा लेते हैं? अरे कमाई क्या कमाई है, कोई खास कमाई नहीं। हाँ, खाली समय जाता है, यहाँ काम ही कुछ नहीं मिलता। यहाँ दो चार महीने के लिए आते हैं, 8 महीने वहाँ काम करते हैं। महीने में क्या कमा रहे, 400 रुपये मिलता है, तो देखते हो कि साग सब्जी एक दिन लेने जाओ तो 1000 रुपये लगते हैं। हैं, बच्चन का कपड़ा तक नहीं अटते हैं नहीं, तो अब वह कर्जा हो जाता, वही का भरते रहते हैं। बस यहाँ पे आट रोटी चाहिए तगहन कर लिया। प्रधान तो हमको काम देता नहीं है कि मजूरी करन तो कहो का कर्जा पटे, कि तो बाहर जाओ कि तो फिर बस यहीं मड़ई के गोड़ धोवाई करो। कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं? सर पंजाब चले गए, हरियाणा पंजाब। क्या काम करते हो? ईंटा पाथते हैं। कितने लोग रहते हैं फैमिली में? सर ये फैमिली में तो 3 लोग हैं, इधर 4 लोग हैं। अभी तक जो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अभी तक इन गांव में एक प्रत्याशी भी नहीं आया है। कि एक प्रत्याशी यहां आया हो, लोगों के हाल चाल जाने हो, लोगों के हित में खड़ा हुआ हो, कोई प्रत्याशी नहीं है। सिर्फ उनको वोट लेना है, राजनीति चुनाव जातिवाद फैला करके, धर्म फैला करके जो वोट ले लेना है, अपना सत्ता कायम कर लेना है। उनको जनता से किसी से कोई लेना देना नहीं। रहते हैं बाबू जी कहूँ 2 महीना रहते हैं बस, फिर निकल जाते सब लोग, सब लोग घर भर चले जाते। का करें हैं, न को बनी का कहा है, न मजूरी का कहा है। ये जुलाई में आते हैं, दो तीन महीना रहे फिर चले जाते हैं। तो साल में बस 2-3 महीने? हाँ। ये पूरा गांव का गांव जो पलायन कर जाता है सर। यहाँ पर पुअर ही लोग बसते हैं और यहाँ पर गरीबी ही गरीबी है। और क्या कहते हैं, यहाँ पर न कोई मनरेगा है, न यहाँ प्रधान सुनता है, न यहाँ कोई सरकार यहाँ पर चुनाव के टाइम पर चाहे जो आ जाए नहीं, कोई झांकने नहीं आता है सर। यहाँ सरकारी जो हेल्थ कार्ड होता है, आयुष्मान कार्ड, वो है लोगों के पास? है, लेकिन उनका जो है कोई लाभ थोड़ी ना मिलता ना, जो है इलाज में इनका जो है सहयोग होता है, इलाज भी कराने जाते हैं तो कोई उसका मतलब नहीं, रीजन ही नहीं है उसका कोई। अच्छा। नहीं तो सब कुछ बनवाए हैं यहाँ लोग, लेकिन जो है कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर किस जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं? यहाँ पर अपना पूरा SC बिरादर है, चमार। अच्छा, सब। तो अभी जो आपके आदमी की तबीयत खराब है तो नहीं जा रहे काम? नहीं जा रहे हैं काम, नहीं जा रहे हैं। अब 4-5 दिन हो गए हैं नहीं गए हैं नहीं। अब कर्जा लेके दवा कराए हैं, वहाँ से तो पैसा निकलता नहीं मेरा कि मैं वहाँ से ले लूँ एडवांस से तो मेरा हो जाएगा। अब वो कर्जा हो गया 10-12 हज़ार रुपये, अभी तो ऑपरेशन कराना है। भाई प्रधान दे तो या खर्चा हमारा बना रहे, दुख तकलीफ होगा तो कर्ज तो होगा। जब समस्या आ जाती है तब फिर आदमी बाहर को जाता है, बच्चे ले जाओ घर में तारा मारो, बस ये होता है। नेता आए तो अपन बड़े बड़े इनके अंते नेता चले गए हैं, टूटे फूटे इनका गरीब इनका को है, जेके कुछ नहीं है वही का नेता नहीं सुनती है कोई। यहाँ पर विकास के मामले में कोई कुछ नहीं। एक कार्ड बने कम से कम मेरे को 5-6 साल हो गए, अभी इसी में 1 रुपये न काम आया न इसमें हमारे को पैसा मिला है। हमारा भी सर इतना कर्ज से बोझिल है कि 2.5-3 लाख का कर्ज है, उस पर सरकार जो है उस पर दबाव डाल रही है कहाँ से कर्ज भरे। और विद्युत बिल जो है 23,684 रुपये आ गया सर, कहाँ से भरे, इसमें भी परेशान है, गरीब आदमी है। 5-6 साल में एक बार भी काम नहीं मिला? कुछ काम नहीं हमको दिया प्रधान, कोई मंजूरी नहीं बताता है, इतने नाला गड्ढा बनाए खंती कुदारी कुछ बताते ही नहीं है कि गरीब मड़े कुछ करे तो आप पेट पाल जिया बच्चा जिया। अब चुनाव भी कोई जीत जाता है कोई मदद थोड़ी ना करता है गरीबों को, जो है कैसे क्या जो है, बस जब चुनाव आता है वोट मांगने चले जाते हैं, इसके बाद जो